तो हेलो गाइस, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एमआई 13 का चाइना बिल्ड लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और इसमें आपको क्या क्या बग्स देखने को मिलते हैं और रोम की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ऐप वॉलेट जो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। यहाँ पर कोविड वगैरह का इन्फॉर्मेशन बताएगा, और यहाँ पर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है क्योंकि ये चाइनीज़ अपडेट है, ठीक है। उसके बाद में आपको मी स्टोर वगैरह ये सब कुछ देख सकते हो। तो इस तरह की आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती जो कि आप इसमें इसको रिमूव वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी इसमें आपको चाइनीज़ एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप जैसे हेल्थ हो गया, ये चाइनीज़ का हो गया, ये भी चाइनीज़ का हो गया, और यहाँ पर भी आपको चाइनीज़ की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। और इसमें यार एक थोड़ा सा बक्स लग रहा है मुझे, पावर बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो जल्दी बटन नहीं आ रहा, रिस्टार्ट वगैरह का आप देख सकते हो। प्रेस कर रहा हूँ तो इस तरह से लॉकिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसका पावर मेन्यू का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है जब जाकर पावर मेन्यू और रिस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक तो इसमें ये बक्स मेरे को सबसे पहले दिख गया था। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि चाइनीज़ रोम में, तो आपको इसके अंदर GF फ्लैश करना पड़ेगा, और आपको इसमें गेम का ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। वैसे आप इसमें Xiaomi का जो अदर प्ले स्टोर आता है उसका आप यूज़ कर सकते हो इसको डाउनलोड वगैरह करके, तो इसमें आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में इसमें बात करता हूँ तो आप यहाँ पर जैसे तो मटर से आपको इसमें इस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको गूगल बार का ऑप्शन इस तरह का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको थीम के अंदर ले जाकर दिखा लेता हूँ कि थीम आपको इसमें कौन कौन सी देखने को मिल जाती है। जैसे मैं अकाउंट के अंदर जाएंगे और थीम्स के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप जैसे तो क्लासिक और लिमिटलेस ही आपको इसमें अंदर थीम देखने को मिल जाती है। उसके बाद मैं आपको दिखा लेता हूँ कि इसमें आपको सेटिंग में चल के और आपको इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और क्या क्या इसके अंदर बग्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी अबाउट फोन की सेटिंग में चल के दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो MI 13 है जो 2215, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको OTA अपडेट भी मिलेगा, इसके अंदर वीकली अपडेट का भी आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, जो आपको वीकली अपडेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा क्या क्या इसमें आपको मिलता है। यहाँ पर परमिशन को इन्होंने लॉक कर रखा है तो आपको इसमें नहीं दिखाएगा क्या क्या परमिशन है। यहाँ पर डिवाइस नेम वायलेट देख सकते हो, यहाँ पे आपको और स्पेक्स में देखा दिखा देते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो सिक्योरिटी पेज आपको इसमें दिसंबर का देखने को मिलता है, और इसमें आप कर्नल वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैंसन कर रखा है जो आप इजिली से यहाँ से इसको देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप वॉलपेपर के अंदर जाओगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको आइकन पैक्स का साइज छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे तो आपको नीचे जाओगे यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर तो आपको इसमें सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और इसमें आपको MI 13 का जो भी वॉलपेपर है जो लेटेस्ट बहुत सारा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे इसमें आपको MI 13 के वॉलपेपर वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में लॉक स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पर जाओगे तो यार मैंने इसको फाइल सेटअप जब इसका कंप्लीट किया था तब मैंने फिंगरप्रिंट किया था तो फिंगरप्रिंट सेट नहीं हो रहा था, अब चल के दिखाएंगे तो आपको इसमें देख सकते हो 4 टाइप की आपको इसमें क्लॉक भी यहाँ पर देखने को मिल जाती। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे स्लीप का आपको टाइम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नियर तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कैमरा पॉकेट मोर और फिंगरप्रिंट का यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैंने फिंगरप्रिंट ऐड करने की कोशिश भी की थी लेकिन फर्स्ट टाइम जब सेटअप करते जब वहाँ पर ऑप्शन आता तब नहीं हुआ था। तो एक बार फिर से यहाँ पर आपको ट्राई करके मैं दिखा देता हूँ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, जो भी पासवर्ड वगैरह मैं लगा लेता हूँ अभी यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कंफर्म करने को बोल रहा है तो कंफर्म यहाँ पे अपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट भी नहीं बन रहा है इसमें, या आप कोई पासवर्ड वगैरह आप नहीं लगा सकते हो, एक तो इसमें यह प्रॉब्लम है। उसके बाद में फेस अनलॉक का बात करें तो फेस अनलॉक शायद इसमें आपको कंप्लीट सेटअप नहीं हो रहा, क्योंकि जब फिंगरप्रिंट ही नहीं लग रहा है तो फेस अनलॉक वगैरह कहाँ से सेटअप होगा। तो ये इसमें बग्स है, आप इसमें पिन वगैरह नहीं लगा पाओगे तो यार थोड़ा सा ये ज़्यादा बक्स बड़ा ही बक्स है, क्योंकि पिन वगैरह सिक्योरिटी के रिगार्डिंग फिर तो बिल्कुल ही कुछ ना के बरोबर हो जाएगा। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आप जाओगे तो डार्क मोड आपको मिल जाता है, और यहाँ पर डार्क मोड का शेड्यूल का भी ऑप्शन मिलता है क्योंकि आप यहाँ से शेड्यूल वगैरह सेट कर सकते हो। नीचे आपको रीडिंग मोड कलर का कस्टमाइजेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कूल रखना चाहते हो, वार्म वगैरह, डिफॉल्ट वगैरह जो भी रखना चाहते हो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोन सेटिंग मिल जाएगी, और नीचे आप यहाँ पर देख लॉक स्क्रीन वगैरह इस तरह के आपको डिस्प्ले में फीचर्स मिल जाते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे तो क्वालिटी आपको इसमें काफ़ी फास्ट मिल जाएगी, क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे आपको शेड्यूल ऑन, ठीक है, सब कुछ आपको जैसे तो यहाँ पे रिपीट कॉल वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। रिंगिंग के साथ आप करना चाहते हो, मीडियम आप वाइब्रेट किस तरह से चाहिए सब कुछ मिलेगा, और प्रोफाइल वीडियो कॉलिंग और एडिशनल सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जैसे तो टैप साउंड हो गया,
स्क्रीन लॉकिंग साउंड हो गया, डिलीटिंग साउंड हो गया, ऐप्स अनइंस्टॉल साउंड हो गया, सारे के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साउंड के इफेक्ट में जाओगे, अगर Xiaomi का एयरफोन वगैरह है आपको हेडफोन लगा के काफ़ी सारा आपका म्यूजिक वगैरह कर सकते हो। तो यार रोम के अंदर काफ़ी बग्स है इसमें, तो फिर क्या ही यार कोई यूज़ कर पाएगा इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम लॉन्च की बात करते हैं तो लेटेस्ट इंटरनल लॉन्च आपको मिलता है। यहाँ पे क्लासिक में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एप वन क्लासिक दोनों आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे इसका आप यहाँ से इजीली से यूज कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो सेंटर का भी ऑप्शन मिलता है और आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे नन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें कर सकते हो। नेविगेशन में आपको यहाँ पे जाओगे तो आपको इसमें गैसेस का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आप इसमें गैसेस का भी यूज़ कर सकते हो। गैसेस वगैरह सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। नीचे आप जैसे डोंट शो टेक्स्ट, अगर आपको आइकन पैक्स के जो भी आप जैसे व्हाट्सएप है व्हाट्सएप लिखा हुआ नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, तो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। आइकन पैक्स की साइज छोटी बड़ी यहाँ से आप कर सकते हो इजीली से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको होम स्क्रीन लेआउट का आइकन पैक्स का जो पास में दो ही आपको मिलता है, ग्लोबल आइकन एनिमेशन मिल जाता है, अरेंज रिसेट आइटम और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का आपको ये भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। नीचे आपको शो मेमोरी स्पेस का भी मिलता है और बड़ा ऐप्स का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सारे इसमें आपको फीचर्स तो दिए गए हैं और नीचे आप जाओगे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देखता तो सिक्योरिटी आपको पूरा लेटेस्ट ऐप पूरा अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लेटेस्ट आपको इसमें अपडेटेड देखने को मिल जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन हो गया, ब्लॉक लिस्ट वगैरह कोई स्कैन करना है डाटा वगैरह तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। एमरजेंसी एसएस हो गया, स्क्रीन लॉक तो वैसे काम कर ही ना है, फाइंड डिवाइस भी बन जाता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से आप जैसे प्राइवेट प्रोसेसर नेटवर्क का हो गया, प्राइवेट स्पेस वगैरह सारे आपको इसमें दिए गए। ऐप्स लॉक हो गया, हाइड ऐप्स हो गया और यहाँ पे आप ऐप्स परमिशन लोकेशन वगैरह स्पेशल परमिशन कौन से ऐप्स को क्या दे रखी वो भी आपको मिल जाता है। उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट फीचर्स में यहाँ पे दिखाऊँ। यहाँ पे आप जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी के ऑप्शन में बैटरी आपको पूरा लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कूलिंग हो गया टेम्परेचर वगैरह आपको इस तरह से आपको दिखाएगा और शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मैं वापस दिखा लेता हूँ बैटरी का, जो भी आप देख सकते हो सेव बैलेंस जो भी एम ए 13 का है जो पूरा नया मिलता है आपको। यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह हो गया, काफ़ी सारे आपको नीचे दिए गए, इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऐप्स के अंदर जाओगे तो सिस्टम ऐप्स हो गया, मैनेज ऐप्स हो गया, परमिशन और ऐप्स लॉक वगैरह, सिक्योर मोड भी आप यहाँ से लगा सकते हो। सिक्योर मोड का ये एक नया ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो Xiaomi जो है चाइनीज़ के अंदर है अभी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि जो भी आपकी जो भी डिवाइस का वगैरह ज़्यादा सिक्योरी हो जाएगी इससे। तो काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर्स तो मिल जाते हैं। एडिशनल सेटिंग में लैंग्वेज डेट रीजन वगैरह और मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर्स मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मी मूवर वगैरह, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, फैक्ट्री रीसेट, बैकअप रीसेट का भी आपको ऑप्शन वापस इसमें दिया गया। उसके बाद में आपको नीचे में दिखा लेता हूँ, स्क्रीन ऑन टाइम में जाओगे तो यहाँ से आप स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो, कितना आपने यूज़ किया, कितनी नोटिफिकेशन आई, कितनी बार डिवाइस को अनलॉक किया, तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाएगा। फोकस मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी सारे फीचर्स तो आपको इसमें दिए गए। इसमें से फीचर्स की बात करें स्लाइडर बार मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो और एमोलेड लैंप वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो अब इसकी अब बात करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी आपको इसमें कैसे देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको क्या करता है, रोम को आप इंस्टॉल करते हो तो फोटो लोगे तो ये कैमरा फोर्स क्लोज हो जाएगा, तो आपको क्या करना है इसका जो भी वाटर मार्क है उसको आपको ऑफ कर देना। जैसे देखो मैं फोटो लूँगा तो आप यहाँ पर देखो कैमरा क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इसकी सेटिंग के अंदर जाना है, यहाँ पर आप जाओगे ये इसमें एक बक्स है यहाँ पर आपको मिलेगा डिवाइस वाटरमार्क, इसको आप ऑफ कर दोगे उसके बाद में कैमरा वर्किंग काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम पूरा वर्किंग कर रहा कैमरा। तो इस तरह का आपको इसमें छोटे मोटे बग्स देखने को मिल जाते हैं, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब AI मोड में भी फोटो क्लिक करके मैं आपको दिखा लेता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो AI मोड में भी आपको फोटो की क्वालिटी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सारे जो भी Xiaomi के मोबाइल में पोर्ट्रेट वगैरह, स्क्वायर शॉर्ट वीडियो, पैरानोमा सारे आपको फीचर्स तो शॉर्ट वीडियो हो गया, यहाँ पर फोटो वगैरह और पोर्ट्रेट वगैरह आपको सारे स्क्वायर पैरानोमा सारे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सारे फीचर्स आपको इसमें दिए गए, फीचर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। तो यार रोम के अंदर आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको इसको डाउनलोड वगैरह करना पड़ेगा। अगर गैलरी की बात करें इसमें गैलरी में आपको जूम इन जूम आउट वाला भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो जूमिंग आउट जूमिंग इन। रोम तो काफ़ी अच्छी है पर लेकिन थोड़ा बहुत छोटे मोटे बग्स है इसमें। अब आपको दिखा देता हूँ ऐप ओपनिंग। तो ऐप ओपनिंग की बात करें तो ऐप ओपनिंग तो काफ़ी फास्ट है, जैसे मैं कोई भी ऐप्स ओपन कर रहा हूँ ओपन तो जल्दी हो जा रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में और दूसरा फीचर सेटिंग को ओपन करता हूँ तो सेटिंग आप देख सकते हो तो थोड़ा सा मुझे लैग ही लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा लैग की तरह महसूस हो रहा है मुझे।
यहाँ पे आप जैसे तो एकदम जो भी ऐप्स ओपन कर रहा हूँ काफ़ी एकदम फास्ट है। गैलरी को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, म्यूजिक को ओपन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप्स रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हेल्थ को ओपन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको ऐप्स ओपनिंग काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिल जाती है। और मतलब अभी आप इसको यूज़ कैसे करना है, तो जैसे आपको डिवाइस को ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में बूट करना होगा तो पावर मेन्यू इसका बहुत ही स्लो काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लो है पावर मेन्यू इसका, पावर बटन जो भी है काफ़ी कम काम कर रहा है। तो सिंपल सी आपको यहाँ पर जाना है, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या पिच ब्लैक रिकवरी आप यूज़ कर रहे हो तो सिंपल सी आपको इसको दबा के रखना है, क्योंकि मैंने आसूस का रॉम फ्लैश किया था पहले, इस वजह से आसूस का लोगो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मैंने इंस्टॉल कर रखी है इसके अंदर। तो आपको सिंपल से क्या करना है, जो भी आपका पहले वाला है उसको रेलवी के सिस्टम रेंडर डाटा आपको जो सिलेक्ट करके इसको वाइप कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको वाइप करोगे अब आपको सिंपल से बैक जाना, जो भी MAV-13 की जिप फाइल है आपको सिंपल से उसको सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे आप जाओगे, जो भी फाइल है आप सिंपल से उसको सिलेक्ट करके आपको स्वाइप टू इंस्टॉल आपको कर लेना है यहाँ पर इस तरह से कुछ। ठीक है, मैंने कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अभी दूसरी रॉम इसके अंदर फ्लैश करनी है। तो इस तरह से आप इसको फ्लैश वगैरह कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए।